हम लगभग 20-22 दिन से वहाँ पर प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी आवाज़ किसी के कानों तक नहीं पहुँच रही है। हम CA, NRC और NPR के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बिल्कुल कान तक ये आवाज़ नहीं पहुँच रही है, और हो सकता है वो सुनना नहीं चाहते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह इतिहास का ये रिकॉर्ड है कि जब जब औरतें सड़कों पे उतरी हैं तो नया इतिहास लिखा गया है, और इस बार भी इंशाअल्लाह उन्हें यह काला कानून वापस लेना होगा। कब तक वो पीछे भागेंगे? ये कानून तो उनके लिए गले का फांस बन गया है, ना निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। इसलिए हम इंशाअल्लाह डटे रहेंगे जब तक कि हम अपनी आवाज़ उनके कानों तक न पहुंचा रहे हैं। ये तरह तरह के बजट नए नए लाते हैं, लेकिन कभी गरीबों के तरफ नहीं तवज्जो देते हैं कि बेरोजगारी का क्या हाल है, बच्चे किस तरह से शिक्षा पा रहे हैं। आज हम सभी माँ बहनें प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई मारी जा रही है, किस तरह बच्चे बर्बाद हो रहे हैं उन पर इनका बिल्कुल ध्यान नहीं है, ना ही तवज्जो दे रहे हैं कि चलो जिन बहनों को वो रामलीला मैदान में बहुत तरस खा रहे थे और मुंह बोली बहनें माने थे, आज उन बहनों की कोई भी ध्यान नहीं है। वो बहनें किस तरह से सड़कों पर उतरी हुई हैं इस ठंड में और बारिश में भी वो उसमें डटी रहती हैं और खड़ी रहती हैं, लेकिन एक बार भी उनके हाल पर तरस नहीं आता, उनको कोई हमारे हाल पर नहीं तरस खाता है। मैं आपके सामने 2-4 अशआर इसी के मुतालिक पेश करूँगी, शायद हमारी बात नरेंद्र मोदी तक पहुंच जाए। कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहेबू, और कितना हमें बर्बाद करोगे साहेबू, क्या सितम अब नया ईजाद करोगे। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, कितनी माँओं को बे औलाद करोगे साहेबो, कितनी माँओं को बे औलाद करोगे साहेबो, क्या सितम अब नया ईजाद करोगे साहेब। नरेंद्र मोदी जी ने एक नया कानून लाया, CAA लाकर हमें यह साबित करना चाहते हैं कि हम यहाँ के हिंदुस्तानी नहीं हैं, हम भारतवासी नहीं हैं। हम जब हमारा संविधान हमें यह छूट देता है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, सबको अपने अपने धर्म यहाँ पर रह सकता है और बाखुशी रह सकता है, तो आप कौन होते हैं हमें गैर कहने वाले। इस मुद्दे पे भी मैं आपको 2-4 अशआर पेश करती हूँ। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है, आजा दिल चीर के दिखला दू वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। इस रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे
रखना मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। नरेंद्र मोदी जी के कानों तक हमारी बातें नहीं पहुंच रही हैं, हमारी यहाँ तक कि हर एरिया में एक एक प्रोटेस्ट बैठे हुए। शाहीन बाग से हमारी बहनें लगभग 2 महीने से बैठी हुई हैं, वहाँ पर तो बहुत ही बुरा हाल है, मतलब ठंड में 1-4 महीने की बच्ची का भी डेथ हो गया इस ठंड की वजह से। लेकिन उन माँ बहनों का सलाम है जो कि इसको बर्दाश्त करते हुए डट कर खड़ी हैं कि हम इस काले कानून को वापस करवा कर रहेंगे, और तमाम मुशक्कतों को झेलती हुई आज वह वहाँ पर खड़ी हुई हैं, और इंशाअल्लाह हमारे नतीजे अच्छे आएंगे। इन्हें काले कानून को वापस लेना होगा, कभी ना कभी तो ये वापस लेंगे, और जब तक नहीं लेंगे हम वहीं डटे रहेंगे, हम खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं जाते जाते आपको चाय वाले बाबू के नाम एक अशार पेश करती हूँ। अरे चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे तो गाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे तो गाय लेके डूबेगी। और नोटबंदी GST सबसे बच भी जाए पर उस नजीब की माँ की, अरे उस नजीब की माँ की हाय लेके डूबेगी, उस नजीब की माँ की हाय लेके डूबेगी, चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।